जम्मू की पहाड़ियों को आतंक से मुक्त किसने किया? 70 साल तक फारूक अब्दुल्ला कुछ किया हो तो जरा हिसाब लेकर आना। उमर साहब दो नहीं तीन जगह से लड़ो, इस बार आपकी सरकार नहीं बनने वाली है, नहीं। जम्मू कश्मीर आतंकवाद की आग में जलता रहा, ये सब के लिए कौन जिम्मेदार है? ये पाकिस्तान रोज हमारे आरएसपुरा और बॉर्डर सेक्टर में गोलीबारी करता था, वहां से गोली आती है, यहां से गोले से जवाब जाता है। 35 साल तक ये आतंकवादी यहां आकर हमारी भूमि को लहूलुहान करते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी आतंकवाद फैलाने का काम करेगा उसकी जगह फांसी के फंदे पर सुनिश्चित है, सुनिश्चित। आज लाल चौक पर गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है और कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस भी निकलता है। जम्मू क्षेत्र को तीन तीन पीढ़ी से अब्दुल्ला और गांधी परिवार ने अन्याय किया है। हमारे विकास के लिए हम वहां पर गिड़गिड़ाते थे, नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जम्मू को स्वाभिमान के साथ विकास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं पूछता हूं, जोर से जवाब देना, भाइयों बहनों, जम्मू को एम्स किसने दिया? जोर से बोलो, किसने दिया? IIM किसने दिया? IIT किसने दी? जम्मू के युवाओं को नौकरियां किसने दी? जम्मू की पहाड़ियों को आतंक से मुक्त किसने किया? 70 साल तक फारूक अब्दुल्ला कुछ किया हो तो जरा हिसाब लेकर आना। हमारा युवा मोर्चे का अध्यक्ष चौराहे से आपको दो हाथ कर लेगा, दो हाथ कर लेगा। 70 साल तक जम्मू के विकास को इन्होंने रोक कर रखा और हमने आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसलिए ये उमर अब्दुल्ला को डर लगता है। पहले वो कहते थे कि हम जब स्टेटहुड मिलेगा तो ही चुनाव लड़ेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं हम लड़ लेंगे, फिर कहा गंदरबल से लड़ेंगे, फिर डर लगा, दूसरी जगह से भी लड़े, कोई बात नहीं। उमर साहब दो नहीं तीन जगह से लड़ो, इस बार आपकी सरकार नहीं बनने वाली है, नहीं। भाइयों बहनों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी पूंछ रजौरी में कहते हैं, काउंटिंग के बाद हम हिसाब करेंगे। किसका हिसाब करोगे भाई, कैसे हिसाब करोगे? अब यहां अब्दुल्ला का राज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता। जम्मू वालों, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बेखौफ होकर कमल के निशान पर बटन दबाइए, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाइयों बहनों, इनका एजेंडा आतंकवाद को आगे बढ़ाने का है। 35 साल तक जम्मू कश्मीर आतंकवाद की आग में जलता रहा, हमारे रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, 40,000 लोग मारे गए। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला परिवार को, ये सब के लिए कौन जिम्मेदार है? फारूक साहब जवाब दीजिए, राहुल बाबा जवाब दीजिए, कौन जिम्मेदार है? एक कांग्रेस और एनसी ने आतंकवाद को बढ़ाया, मोदी जी ने पाताल तक आतंकवाद को दफनाने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, दफनाने, और ये कहते हैं
कि हम आतंकवादियों को छोड़ देंगे, डराते हैं कि जम्मू में फिर से आतंकवाद आएगा। भाइयों और बहनों, मैं आज मढ़ की भूमि पर, बाबा जित्तो की भूमि पर कहकर जाता हूं, किसी की ताकत नहीं है हमारे जम्मू में आतंकवाद को लाने की। एक जमाना था राहुल बाबा, हमने आकर बंकर बनाने पड़े। ये पाकिस्तान रोज हमारे आरएसपुरा और बॉर्डर सेक्टर में गोलीबारी करता था। करता था या नहीं करता था भाई? जोर से बोलो, करता था या नहीं? अब आवाज सुनाई पड़ती है? अब नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि वहां से गोली आती है, यहां से गोले से जवाब जाता है। 35 साल तक ये आतंकवादी यहां आकर हमारी भूमि को लहूलुहान करते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी आए, मोदी जी ने उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान ने हमला किया, मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवाद का सफाया कर दिया। भाइयों बहनों, कि राहुल बाबा अभी एक स्टेटमेंट दिए कि जम्मू कश्मीर में बाहर से लोग शासन कर रहे हैं। राहुल बाबा, आपको जो लोग भाषण लिख कर देते हैं वो आपको इतिहास नहीं बताते, मैं बता देता हूं। सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा तो राहुल बाबा आपकी दादी और आपके नाना के समय में रहा है, कांग्रेस के समय। और आज ये कहते हैं कि कांग्रेस और एनसी का गठजोड़ बड़ा नेचुरल गठजोड़ है। अरे राहुल बाबा, आपको याद नहीं, आपकी दादी इंदिरा गांधी ने उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला को देशद्रोह के केस में जेल की सलाखों के पीछे डालना पड़ा था, जेल की सलाखों के पीछे डालना। और आज आप उन्हीं के पौत्र के साथ, उन्हीं के पौत्र के साथ चुनाव लड़ने आए हैं। और ये उमर फारूक अब्दुल्ला साहब न जाने क्या क्या बोलते हैं, उमर अब्दुल्ला क्या क्या बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं सेना और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। फारूक साहब, मैं जानता हूं आपको सेना पसंद नहीं है, मगर एक बात सुन लीजिए, आज हमारा जम्मू कश्मीर और देश सुरक्षित है ना, तो सेना के जवानों के बलिदानों के कारण सुरक्षित है। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। मढ़ वालों बताओ, जो पार्लियामेंट पर हमला करे उसको फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप चिंता मत करो, उनको जो करना है वो करने दो। मैं आपको बताकर जाता हूं कि जो भी आतंकवाद फैलाने का काम करेगा उसकी जगह फांसी के फंदे पर सुनिश्चित है, सुनिश्चित है।